खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां ग्राम पंचायत कमताना से बिना कार्य किए राशि गमन करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जांच करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत जो राशि आई थी, उससे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, उस राशि का गमन कर लिया गया। साथ ही बड़े तालाब में जो मनरेगा के तहत राशि प्राप्त हुई थी, वहां पुराने जगह पर जेसीबी से गाँव के लोगों ने मिट्टी निकाली और उसी पर मेड डालकर कार्य दर्शा कर राशि का गमन कर लिया। इसके अलावा वृक्षारोपण का पैसा भी बिना कार्य किए निकाल लिया गया। इस मामले में जब मीडिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष मीनार राजे से बातचीत की, तो उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। पन्ना से संवाददाता रमा शंकर द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, अगर जनसुनवाई में इस तरह का प्रकरण आया है, हम भी आपने हमको भी दिया है, हम भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी दोषी है, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो या सचिव हो, उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर वो इस तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं कि बिना काम किए ही राशि का हरण कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से नहीं चल सकता पन्ना जिले में। इसका हम पूरा संज्ञान लेंगे, इसको इंजीनियर साहब और एसडीओ साहब को बुलाकर हम जांच करवाएंगे, पूछेंगे उनसे कि किस तरह से ऐसे किया है आपने, और उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमने ज्ञापन दिया है ग्राम पंचायत कमताना जनपद पंचायत गुनौर के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं, इसमें ग्राम पंचायत कमताना में छोटे तालाब में एक भी काम नहीं हुआ है और जो भी राशि स्वीकृत थी वो सारी निकाल ली गई है। एवं बड़े तालाब में भी जो पहले पूर्व में गड्ढे खोदे थे, उन्हीं पर मिट्टी चढ़ा करके मेड़ बना के उसको भी तालाब का निर्माण दर्शा दिया गया है। उसी अनुसार सीसी रोड बनाई गई, सीसी रोड जो बनी उसमें नाली का भी पैसा गमन किया गया है, बल्कि नाली भी उसमें नहीं बनाई गई, गुणवत्तापूर्ण इस तरीके से कार्य किए गए। जो कि जैसे पौधारोपण का भी कार्य किया गया, उसकी भी राशि निकाल ली गई, जो कि 1% भी कार्य नहीं हुआ है। यहाँ से जांच के लिए एसडीओ वगैरह और यहाँ सब इंजीनियर भी गए, तो वो बिना गाड़ी से उतरे ही वापस रिटर्न में आ गए, बोले हमें हमने कर ली है, देख लिया है, कुछ नहीं, वहां से गेट से उतरे भी नहीं है।